12 प्रोग्राम है इसमें टोटल। तो प्रोग्राम नंबर 1 जो है, वन है इसका नॉर्मल, जो आपके डेली यूज के कपड़े हैं, नॉर्मल पैंट शर्ट चड्डी बनियान वगैरह, वो आपको P1 पे बस इसको स्टार्ट करना होता है मशीन को। सो हेलो दोस्तों, अगर आप एक बैचलर हैं या आपके फैमिली में 3 या 4 लोग ही हैं और आपको एक वॉशिंग मशीन की जरूरत है, तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप कौन सा वॉशिंग मशीन खरीदें, कितने किलो का खरीदें, किस ब्रांड की खरीदें, तो आपको इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखनी चाहिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको उस वॉशिंग मशीन के बारे में बताऊंगा जो आपको चीप एंड बेस्ट पड़ेगा, अच्छे ब्रांड का पड़ेगा। आप बिना झिझक के उस वॉशिंग मशीन को खरीद सकते हैं, और आपके घर में 3-4 लोग ही हैं या फिर आप बैचलर हैं, तो आप बड़े ही आसानी से आप उस वॉशिंग मशीन को यूज भी कर सकते हैं। तो बिना देर किए चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। इस वॉशिंग मशीन को मैंने अमेजोन से ऑनलाइन परचेज किया हुआ है। मैं आपको वीडियो में इसका प्राइस भी बताऊंगा, ये कितने किलो का है वो भी बताऊंगा, और साथ ही साथ आपको वॉशिंग मशीन कैसे यूज करना है ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आपको टेक्नीशियन बताएगा जो कि ब्रांड के थ्रू आया हुआ है। उसी ने हमको इस वॉशिंग मशीन की सारी फीचर्स, सारी डिटेल्स बताई हुई है। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए, आपको दूसरी और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो हेलो दोस्तों, मैं राहुल स्वागत करता हूं आपको हमारे इस YouTube चैनल राह तक में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं वर्लपूल की तरफ से फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, जो कि 6 किलोग्राम में आता है, जो कि आपको बहुत ही चिप एंड बेस्ट में मिल जाएगा। मैंने इसको 12,500 रुपए में खरीदा हुआ है, जो कि 6 किलोग्राम में आता है। आप भी इसको परचेज कर सकते हैं, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दिया हूँ। आप इसको जाके ऑनलाइन परचेज भी कर सकते हैं या फिर आप ऑफलाइन भी इसको परचेज कर सकते हैं। आपको इसमें बस डिटर्जेंट और अपना क्लॉथ उसमें डाल देना है, बाकी पूरा काम वो मशीन कर देगी, आपके कपड़े को वॉश कर देगी, ड्रेन कर देगी, सब कुछ वॉशिंग मशीन ही कर देगी, आपको कुछ नहीं करना है। तो चलिए ले चलते हैं आपको वॉशिंग मशीन के अनबॉक्सिंग की तरफ, और वहां आपको बताते हैं कि आप इस वॉशिंग मशीन को कैसे यूज कर सकते हैं, क्या क्या फीचर्स हैं, क्या डिटेल्स हैं, सारी बातें आपको टेक्नीशियन बताएगा। मेरे को भी टेक्नीशियन ने बताया हुआ था, जो कि ब्रांड की ओर से फ्री ऑफ कॉस्ट में आया हुआ था। तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पैक करके उल्टा रख दिया, उल्टा रख दिया, ग्लास निकाल ले। इसका स्टैंड नहीं दिया है कंपनी? नहीं, स्टैंड से कॉस्ट में लेना होता है, दी है। हाँ। तो वाइब्रेट नहीं होता है। हाँ। मशीन वाइब्रेट होती है तो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट नहीं होती है। हाँ। दूसरी चीज ये कि कभी नंगे पांव अगर आप छूते हैं पानी में, हाथ डालते हैं कपड़ों के लिए, तो अर्थिंग वगैरह आ जाती है, तो उससे आपको सेफ्टी मिलेगी, इससे अर्थिंग नहीं आती है। अच्छा। तीसरा चीज आपको सफाई वफाई कर, पाइप लगा दे, ये तेरे भैया की आ रही है, वो दे दे, वो दे, इसके तो लास्ट हो गई थोड़ा। अच्छा, वो सब कंपनी की तरफ से आता है ना? हाँ जी। अच्छा, उसमें से पानी लीक नहीं होगा ना? इसमें से? इसमें से? हाँ, इसमें रबड़ होगी जहां तक है। हाँ, इसमें से नहीं होगा बिल्कुल भी। अच्छा, रबड़ वाला सिस्टम ही तो है, रबड़ का ये सिस्टम है पूरा। ओ, सही है, कूल। cool.
अच्छा ये क्यों ओपन हो रहा है? इसलिए ये जो हिस्सा है नीचे वाला, इसमें ये जो हम खोल रहे हैं ये चीज फंस के आती है। ड्रम और ये बॉडी आपस में मिलते नहीं है, हिलते नहीं है, अंदर से वाइब्रेट नहीं होता। अच्छा ये पैकिंग के पैकेजिंग के लिए दिया है, मतलब पैकिंग में मशीन में कोई डैमेज ना आए इसलिए। सबसे पहले मशीन ऑन है तो इसको ऑन करना है पावर वाला स्विच दबा के। अच्छा ठीक है। हाँ। पावर का स्विच दबाते ही इस पे लिखा आ रहा है P1। P1 ये है प्रोग्राम नंबर 1। प्रोग्राम ये सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं इसके P12 तक। हाँ। 12 प्रोग्राम है इसमें टोटल। तो प्रोग्राम नंबर 1 जो है, 1 है इसका नॉर्मल, जो आपके डेली यूज के कपड़े हैं, नॉर्मल पैंट शर्ट चड्डी बनियान वगैरह। हाँ। वो आपको P1 पे बस इसको स्टार्ट करना होता है मशीन को। अच्छा। बस आपको P1 पे स्टार्ट कर देंगे तो ये ऑटो की जो लाइट है ना। हाँ। वाटर लेवल ये ऑटोमेटिक लेगी इसमें। हाँ। ऑटो मतलब कपड़ों के हिसाब से पानी खुद लेगी, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि इसने पानी कम लिया या ज्यादा लिया है तो एक बार इसको पॉज करके आप अपने हिसाब से वाटर लेवल सेट कर सकते हैं। लो, मीडियम, हाई और मैक्सिमम, ये चार लेवल है। चार इस पे फुल हो जाएगा, इस पे थोड़ा कम, मीडियम पे आधा टैंक, लो पे उससे कम। ठीक है, ये वाटर लेवल आप सेट कर सकते हैं। ठीक, तो फिर आ जाते हैं प्रोग्राम नंबर 2। इस पे नॉर्मल कपड़े आपको P1 पे ही धोने। ठीक है। प्रोग्राम नंबर 2 है इसका हैवी। हैवी कपड़े जो बेडशीट कंबल वगैरह होते हैं उनके लिए। अच्छा। P2 पे मतलब ये होगा कि और जींस वगैरह, जींस वगैरह आप नॉर्मल पे धो सकते हैं, उस पे हैवी की जरूरत नहीं पड़ती। नॉर्मल पे आप जींस वगैरह धो लीजिए, हैवी पे बेडशीट कंबल वगैरह वो सब धोए जाते हैं। तो हैवी पे क्या टाइमिंग ये ज्यादा लेती है, टाइमिंग वाटर सब मतलब ज्यादा करेगी। तो ये हैवी कपड़ों के लिए हो गया आपका P2, बस स्टार्ट करना है P2 पे लाके। ठीक है। P3 हो गया डेलिकेट्स, ये हल्के कपड़ों के लिए, जो हल्के वैसे चुन्नी वगैरह होती हैं और वैसे बनियान जो हल्के कपड़े होते हैं, साड़ी वे उनके लिए डेलिकेट्स वाला है। ठीक है। P4 जो बच्चों की वाइट ड्रेस होती है, वाइट्स वाला है, ये P4 पे। P5 है स्टेन वॉश, ये उसके लिए है जैसे बच्चों वैसे पेशेंट्स के बैक्टीरिया वाले होते हैं कपड़े ना, ये वो सब आपको स्टेन वॉश पे वॉश करने हैं। एक ये आपका इको वॉश है, इको वॉश ये बच्चों के पॉटी सुसु वाले कपड़े जो होते हैं। अच्छा। ये इको वॉश पे धोने हैं। अच्छा। P7 वूलेंस जो ऊनी कपड़े होते हैं वो P7 पे धोने। जॉकेट वगैरह इसी में डाल सकता हूँ, वूलन में। हाँ, सेवन वो उसी में डालने पड़ेंगे, अंदर से उनमें रूए होते हैं ना, तो वो आपको वूलेंस पे डालनी पड़ेगी। P8 है बेडशीट, बेडशीट के लिए अलग प्रोग्राम दिया P8। वो आप हैवी पे धोइए। अच्छा। बाकी हल्का बेडशीट है तो बेडशीट के लिए अलग दिया। ठीक है। फिर ये 8 प्रोग्राम जो मैंने अब तक आपको जो दिखाए ये सारे ये धोने वाले हैं। हाँ। इन पे ये सारा काम करेगी, धोएगी, खंगालेगी, सुखाएगी और बंद हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद ये P9 का जो प्रोग्राम है, ये 9 वाला है, इसमें वॉश नहीं करेगी है, इसमें रिंस प्लस ड्राई है ओनली, मतलब कपड़ों में खंगालेगी, पानी लेके उसमें जो सर्फ रह गया कपड़ों में सर्फ को निकालेगी और फिर सुखा देगी, सुखा के बंद हो जाएगी। ठीक है। इस पर रिंस प्लस ड्राई है ये, तो रिंस प्लस ड्राई हो गया P9। P10 में ओनली आपका ड्राई करेगी, रिंस नहीं करेगी इसमें, जो सर्फ को निकालने वाला काम है वो इसमें नहीं होगा, इसमें सिर्फ सुखाएगी सुखाएगी। जैसे कोई गीला कपड़ा है इसमें डाल दो P10 पे, ओके करके स्टार्ट कर दो। कितना टाइम में सूख जाएगा? सूखने वाला मुश्किल से 5 मिनट, 5 मिनट की ही टाइमिंग आएगी इसमें, 5 या 6 मिनट की। अपने आप मतलब वो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा उस प्रोग्राम पे ले जाके और वो टाइम डेडिकेट करूँगा। और क्या, ये ऐसे है ना प्रोग्राम, ऐसे P4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 प्रोग्राम है ड्राई का। हाँ। स्टार्ट कर दीजिए, बस 6 मिनट की टाइमिंग आ गई। अच्छा। 6 मिनट में सुखा के बंद हो जाएगी। अच्छा। ठीक है। P10 पे आपका ये ड्राई हो गया, P11 पे ओनली वॉश है, इसमें ओनली कपड़ों को धोएगी धोएगी। अच्छा। खंगालेगी नहीं, सुखाएगी नहीं, सिर्फ वॉश करेगी इस पे। ठीक। P12 भी आपके मतलब का नहीं है, उन जगहों के लिए सुबह 5 बजे पानी आता है तो टैंक में आप पानी स्टोर कर सकते हैं। अच्छा। ये उसके लिए। ठीक है। तो आपके सारे प्रोग्राम हो गए। और हमको तीनों एक ही साथ करना है, कपड़े धुलना है, सुखाना है और उसको, उसके लिए सारे प्रोग्राम है तो सही। आठवे तक जो बेडशीट तक, ये एक से लेके 8वें तक जो प्रोग्राम है। हाँ। इनमें ये सारा ही काम करेगी, धोएगी, खंगालेगी, सुखाएगी, सब काम करके बंद होगी 8वें तक। इसके बाद है ये सारे, अगर अलग से कुछ काम करना है तो, जैसे रिंस प्लस ड्राई करना है अलग से तो, और ड्राई करना है तो, और धोना है तो। ठीक है। ये सब प्रोग्राम यहाँ से अलग दिए हैं, बाकी इनमें तो सब में वो तीनों काम एक बार में करेगी। अच्छा। ठीक है।
अब जैसे आपने P1 पे स्टार्ट करी मशीन, तो P1 पे जैसे स्टार्ट करते हैं तो ये स्टार्ट करते ही टाइमिंग दिखाती है 30-35 मिनट की। अच्छा, 30-35 मिनट की टाइमिंग में अगर आपको लग रहा है कि 30-35 मिनट ज़्यादा ले रही है, हमको कहीं निकलना है, जल्दी करना है, तो फिर इसमें ये एक्सप्रेस वॉश का दिया हुआ है। एक्सप्रेस वॉश आप दबाएंगे तो जो 30-35 मिनट की टाइमिंग है वो 20-22 मिनट ही रह जाएगी। हेलो, ठीक है, ये आपका मतलब टाइमिंग, अगर आपको ज़्यादा टाइमिंग इसमें 30-35 मिनट जो टाइमिंग होती है वो कम करनी है तो आप एक्सप्रेस वॉश दबा दीजिए। एक्सप्रेस वॉश दबा के जैसे यूं ये लाइट जल गई ना, फिर इसको स्टार्ट कर लीजिए P1 पे या P2 पे, जो भी आपका प्रोग्राम हो। अच्छा, ठीक है, इस पर टाइमिंग कम हो जाएगी। और इसी की जगह एक्सप्रेस वॉश की जगह आप डिले दबा देते तो ये आवर्स में होगी टाइमिंग, एक घंटा दो घंटा ऐसे। तो मतलब ये क्यों है डिले और एक्सप्रेस में, जल्दी उसमें धोएगा, इसमें जल्दी धोएगा, इसमें मतलब अच्छा से नहीं धोएगा, जल्दी धोएगा। हाँ, जल्दी में सफाई कम होगी ना, अच्छा, क्योंकि जल्दी हो रहा है तो सफाई तो कम होगी। ये आपका आवर्स है 24 घंटे के लिए, अगर आपको चलानी है तो 24 घंटे भी मशीन चलेगी। यहाँ से आवर्स आप सेट कर सकते हैं, ठीक है, 24 पे आके 00 हो गया, ये आपका यहाँ से 00 से सीधा मतलब 1-2 ऐसे जाएगा। ये मिनट है, ये आवर्स है, घंटा, ठीक है। ये आपका टाइमिंग जल्दी करने के लिए, ये डिले करने के लिए, ठीक है। ये दोनों बटन अगर आप एक साथ दबा देते हैं तो इसके कोई भी बटन काम नहीं करेगा। वो इसके लिए जैसे बच्चे छेड़ते हैं ना, जैसे मशीन चल रही है बच्चे बटन दबा रहे हैं, तो ये दोनों बटन ऐसे करके एक बार दबा दीजिए। तो एक सेकेंड ऐसे मशीन चल रही है ना, तो इनको यूं करके प्रेस कर लीजिए। ये चाबी सी जल गई ना, तो अभी ये लॉक हो गई पीसीबी, अब ये बटन काम नहीं करेंगे, बस पी पी की आवाज करती रहेगी। अच्छा, ठीक है, इसको फिर यूं करके दोबारा 3 सेकंड प्रेस कीजिए, ये लॉक खुल गया, ठीक है, ये बटनों का लॉक है। ये वाटर लेवल आपको मैंने बता दिया, वैसे तो ये ऑटोमेटिक वाटर लेवल लेगी, फिर भी आपको लगे तो आप सेट कर सकते हैं, कम ज्यादा लगे तो वाटर लेवल। तो पानी आ रहा थोड़ा जाए, ड्रेन किया ना इसने, भी स्टार्ट होने वाली थी इसे, ठीक है। वाटर लेवल का हो गया ये, या आपका हार्ड वाटर वॉश है, जब मतलब पानी ऊपर से टंकी में से जब खराब पानी आ रहा हो, जैसे बालू वाला या वैसा खारा पानी हो, तो आप एक हार्ड वाटर वॉश ऑन करके जब कपड़ों को धोइएगा, ठीक है, एक पानी की गंदगी को रोकने के लिए बस। और कुछ समझने में कोई दिक्कत हो तो मुझे बता दीजिए। और वो डिटर्जेंट कैसे डालेंगे उसमें? डिटर्जेंट का देख लीजिए, ये दो इसमें होल दिए हैं, एक दो, जैसे मशीन को स्टार्ट करते हैं ना अपन, तो पानी यहाँ का जो पानी है वो यहाँ होके इसमें नीचे गिरता है पानी। डिटर्जेंट आपको इस जगह डालना है। कितना? वो तो वैसे तो ये दिखाती है एड 1 कप या 2 कप, लेकिन वो तो फिर भी आप अपने कपड़ों के हिसाब से डालिएगा कि अपने कपड़ों को इतनी दोनों में डालनी होगी, सिर्फ इसमें डिटर्जेंट, इसमें लिक्विड, इसमें लिक्विड मतलब वो जो इजी वगैरह आते हैं, अच्छा अच्छा, इजी वेनिश वगैरह, वो सब इसमें डालने हैं, डिटर्जेंट इसमें डालना। और उलन कपड़े हम डिटर्जेंट से धो सकते हैं या इजी से? इसका तो मुझे मालूम नहीं है, वो किससे धुलेंगे वूलेंस वाले, जैसा कपड़ा हो उस हिसाब से यूज़ कीजिएगा। अगर आपका कपड़ा थोड़ा कॉस्टली है, बढ़िया वाला कपड़ा है, तो उसमें डिटर्जेंट डालिएगा। अगर ऐसा ही कोई वो ही है अपना नॉर्मल वाला, तो डिटर्जेंट जिंदाबाद यही है, ठीक है। P1 पे अगर हम P1 पे सेलेक्ट करते हैं, सपोज मैंने ऑफ कर दिया, ऑन हो गया, P1 पे आ गया, नॉर्मल कपड़े हम यहाँ से डाल देंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे तो ये कितना टाइम लेगा स्टार्ट होने में? हाँ, स्टार्ट तो बस अभी ये हो जाएगा, अभी बस एक बार सेंस करेगी स्टार्ट हो गई, पर इसमें टाइमिंग जो आप कह रहे हैं कितनी देर में कपड़ों को धो के सुखा के रखेगी, वो इसमें 25 और 30 के बीच में टाइमिंग लेगी, 25-30 मिनट के आधा कपड़े हैं, पर आप डाल दो, मैं उसको वॉश करते रहूँगा। हाँ, दे दीजिए, मैं डाल दे रहा हूँ, इसको भी डाल दो। कपड़े आप कितना भी रखिए, पर पानी हमेशा इतना मतलब इस इतना नीचा पानी इतना ऊपर रहना चाहिए कपड़ों से, हमेशा कपड़ों से पानी ज्यादा। तो पानी हमको कैसे समझ में आएगी कहाँ तक है? ये तो ऑन रहेगी मशीन,
मशीन तो ऑटोमेटिक पानी लेगी, वैसे आप ऊपर से आपको दिख भी जाएगा पानी कितना क्या। वैसे ऑटो पे आप चलाएंगे तो पानी सेट लेगी, वो कभी जभी करती है। अच्छा, आपने ऑटो पे किया कभी जभी मतलब पानी कम या ज्यादा ले लिया, वो कभी जभी के लिए है। व्हील का ये है कि कभी आपको शिफ्ट करनी है तो ये थोड़े से लूज कर लीजिए जो इसके लेग है, तो फिर इसको आप कहीं भी इधर उधर खिसका। लूज कैसे करेंगे? ये जैसे अभी हम लोग घुमा रहे हैं ना इनको ऐसे, सेट करके पीछे ये दोनों उधर से दोनों खिसका आगे मैंने पकड़ लिए। और किसका? ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, हो गया इसका काम चालू। अभी वाटर आ रहा है ना? अभी आएगा, अभी सेंस करेगी पहले, हर टाइम सेंस करेगी जब जब। अच्छा, स्टार्ट होने से पहले एक बार करती है। आई ना 33 मिनट की, अभी 33 मिनट में पूरा काम करेगी। ये वास आ रहा है ना, वास की लाइट ब्लिंक कर रही है, अब इसने धोना चालू कर दिया है, पानी भी आ गया। इसमें अभी डिटर्जेंट डाला तो नहीं? डिटर्जेंट डाल दीजिए, वो तो एक बार 4 राउंड लेती है। अभी डाल दो डिटर्जेंट, वहाँ पे पड़ा है बैक साइड आपके। एक स्पून ना? हाँ, ये तो एड 1 कप दिखाता है ऐसे ही। 2 स्पून डाल दो आप। अच्छा, वाटर यहाँ से आएगा और ये जो होल है साइड साइड में उसका यूज, छोटे छोटे जो होल है। हाँ, वो किसी तत्व के नहीं है, वो तो ड्राइनेस ड्राई होती है ना। अच्छा, उसके लिए इन होलों में से हवा पास होती है। अच्छा, अब इसको आपने ओपन कर दिया तो ये बंद हो गया? हाँ, बंद नहीं, अभी ये पानी भरने के बाद जैसे स्टार्ट होगा ना वास, वो स्टार्ट नहीं होगा, यहाँ LID लिखा आ जाएगा। अच्छा, ये लीड ये डोर का, जब इसको बंद कर देंगे जब चलेगा। अभी पानी भर रहे हैं जब तक, तो कर सकता है आदमी इसको ओपन, क्योंकि पानी भर रहे हैं तो डिटर्जेंट वगैरह कपड़े डालने के लिए आदमी खोलेगा इसे, तो इसके लिए फिर इसको बंद कर ली, बंद करेंगे जब ही वास करना चालू करेगी है, वरना चालू नहीं होगी। अच्छा, तो ये थोड़ा हम इसको आप वो बता रहे, ऑटोमेटिक पानी ले रही है, ऑटो की लाइट जल रही है, सही है, ऑटोमेटिक ही भरेगी है। फिर भी अगर आप चाहो तो इसको पॉज करके ये लो पे कर दिया, अब स्टार्ट कर दीजिए, अब पानी थोड़ा जल्दी और कम लेगी। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद और समझ आया होगा। आपके लिए ये वॉशिंग मशीन बिल्कुल चीप एंड बेस्ट में पड़ जाएगा, आप इसको बिना किसी झिझक के परचेज कर सकते हैं और आप यूज कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप इस वॉशिंग मशीन को ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया गया है, आप वहां से जाके डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।